हेलो गाइस, मेरा नाम है कल्पित जोशी और फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज। अगर मैं देखूं तो ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड डेली पर्पस के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेली पर्पस के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होता क्या है आखिर, अगर मैं बात करूं डिस्चार्ज होता क्या है आखिर। डिस्चार्ज, आप देखते हो आपके घरों में पानी की टंकी लगी रहती है, देखा होगा आपने छत में पानी की टंकी होती है, 1000 लीटर की, 500 लीटर की, 5000 लीटर की, अलग अलग कैपेसिटी में आती है। आप जब अपनी मोटर ऑन करते हो, जब आप अपनी मोटर ऑन करते हो तो क्या होता है, पानी बढ़ना भरना शुरू होता है उसमें, और कुछ टाइम बाद आपकी मोटर पानी भर देती है, कुछ टाइम बाद आपकी मोटर पानी भर देती है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज है कि कितनी देर में आपका पानी भर गया, या आपकी जो वो 1000 लीटर की टंकी थी वो कितने टाइम में भर गई, यानी अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ, मेरा पाइपलाइन है, अब पाइप भी अलग अलग साइज का आते हैं, घरों में जो पाइप होते हैं वो कम डाया के होते हैं, मतलब मान के चलो वो 5 to 6 mm के होते हैं, 5 to 6 mm के होते हैं जो घर में आपके डाया के होते हैं, या फिर हो सकता है वो 2 सेंटीमीटर तक के हो, 2 सेंटीमीटर डाया तक के हो। तो उन पाइप से क्या होता है, उन पाइप से जितना पानी पर यूनिट टाइम चल रहा है वो मेरा डिस्चार्ज होगा, वो मेरा डिस्चार्ज होगा। कि सपोज मेरी 1000 लीटर की टंकी आधे घंटे भर गई, मेरी 1000 लीटर की टंकी आधे घंटे में भर गई, यानी 1000 लीटर, 1000 लीटर पर हाफ एन आवर, पर 30 मिनट। तो 1 मिनट का कितना हो गया, इसका डिवाइड बाय 30 कर दो तो 100/3 लीटर पर मिनट, यानी 33.33 लीटर पर मिनट आपका टैंक भर रहा है, कि आपका पानी का फोर्स इतना ज़्यादा है। अब अगर इसे प्रैक्टिकली करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब आपके सबके घरों में बाथरूम में बाल्टी होगी, टैप भी होगा, तो आपको क्या करना है, एक स्टॉप वॉच लेनी है। स्टॉप वॉच पता है ना सबको, स्टॉप वॉच घड़ी, ठीक है, जिसमें टाइम आपका भागता है, ठीक है। तो आपने वो घड़ी लेनी है और क्या करना है, तीन केस करने हैं। सबसे पहले अपनी बाल्टी लगानी है टैप के नीचे और फुल स्पीड में पानी खोल देना है, और कितनी देर में आपकी वो बाल्टी भर गई उस टाइम को नोट करना है। फिर दूसरा केस, उसको हाफ कर देना है, उसकी स्पीड को हाफ कर देना है, और उस टाइम पे आपको टाइम नोट करना है कितनी देर में आपकी बाल्टी भर गई। और तीसरा केस, जब वो मिनिमम स्पीड में होगा, जब वो मिनिमम स्पीड में होगा, कम से कम स्पीड करनी है, और उस टाइम पे देखना है कि आपका कितनी देर में बाल्टी भर गई। सपोज आपकी 10 लीटर की बाल्टी है, मैक्सिमम 10 लीटर की ही होती है, जो आपके बाथरूम में बाल्टी होती है मैक्सिमम 10 लीटर में ही होती है। तो ये आपका काम है, आपको करके देखना है कि आपकी ये 10 लीटर की बाल्टी तीन अलग अलग केसेस में फुल स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड, जब हमने टैप का वो किया है, स्पीड को चेंज किया है, कितनी देर में भर गई, ठीक है। तो ये आपका काम है, करके देखिएगा प्रैक्टिकली, तो डिस्चार्ज अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज क्या हो गया, कि कितना रेट, मतलब कितना फ्लूड हमारा किसी भी क्रॉस सेक्शन में फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। फ्लूड फ्लोइंग इन अ क्रॉस सेक्शन, फ्लूड फ्लोइंग इन अ क्रॉस सेक्शन, कि एक पाइप के अंदर कितना फ्लूड कर रहा है क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, एक टाइम इंटरवल के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज। अब अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया है ए और वेलोसिटी है वी, तो उस केस में डिस्चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी। उससे पहले बात करते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से। क्यू इक्वल्स टू होता है हमारा डिस्चार्ज, क्यू इक्वल्स टू होता है हमारा डिस्चार्ज, कैपिटल क्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है क्यू इक्वल्स टू एरिया जहाँ से हमारा फ्लूड जा रहा है इनटू वेलोसिटी।
जहां से हमारा फ्लूड जा रहा है, इनटू वेलोसिटी। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो क्यू की यूनिट क्या निकल के आई? मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको क्यू मैक भी बोलते हैं, क्यू मैक। आप जब डैम्स की बात करते हो तब आप कहते हो आपने क्यू मैक में पानी छोड़ा। आप क्यू मैक की बात करते हो, क्यू मैक में पानी छोड़ा कि इतने इतना वाटर हमने डिस्चार्ज कर दिया। कभी आपने सुना होगा जब बाढ़ आ जाती है तो डैम से पानी डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज मतलब निकाल देना, डिस्चार्ज का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। तो फ्लूड है, फ्लो करता है, तो डिस्चार्ज ही तो कर रहे हैं। बस बात कर रहे हैं पर यूनिट टाइम की, इतने टाइम में कितना हमारा फ्लूड डिस्चार्ज हो गया। जनरली हम बात करते हैं लीटर में, पर उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में। कैसे करते हैं? हमें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 10^-3 मीटर क्यूब। ये मेरी कन्वर्जन है कि अगर कोई मुझे कहता है, मुझे लीटर में दिया है और मुझे उसे मीटर में करना है, तो ये मेरी कन्वर्जन होती है लीटर टू मीटर, कि 1 लीटर इक्वल्स टू 10^-3 या फिर 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10^3 लीटर। यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अगर 1 मीटर क्यूब का कोई वॉल्यूम है या क्यूबॉइड है तो वहाँ पे हमारा 1000 लीटर होगा। तो ये मेरा कन्वर्जन है। तो डिस्चार्ज क्या हो गया? फ्लूड फ्लोइंग इन अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज। क्यू से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका क्यू इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी, मतलब कितने एरिया से कितनी वेलोसिटी के साथ जो पानी पास हो रहा है उसको हम डिस्चार्ज बोलेंगे। यूनिट आती है निकल के मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ कंटिन्यूटी इक्वेशन की, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलती है किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए। अब कोई डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, सपोज करो कोई डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। डिफरेंट क्रॉस सेक्शन किस तरह? कुछ इस तरह। एक एंड ये है आपका, सपोज यहाँ पे A1 है और दूसरा एंड ये है। दो एंड ले लिया हमने, 1-1 and 2-2। यहां पे A2 है एरिया, V1 है वेलोसिटी, V2 है एरिया, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है कि यहां से मैं जितना फ्लूड भेजूंगा, यहां से मैं जितना डिस्चार्ज करूंगा, मुझे इस एंड पे भी उतना ही डिस्चार्ज मिलेगा। मतलब अगर यहां क्यू है तो यहां पे भी क्यू ही होगा, चेंज नहीं होगी वैल्यू। जितना डिस्चार्ज एक एंड से भेजूंगा उतना ही डिस्चार्ज दूसरे एंड पे भी मिलेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। अनटिल अनलेस जब तक मैं इसमें कुछ ऐड या कुछ रिमूव ना कर दूं, अनटिल अनलेस मैं इसमें कुछ ऐड या कुछ रिमूव ना कर दूं, तब तक हमारी जितनी डिस्चार्ज की वैल्यू है उतनी ही रहेगी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ने क्या बोला कि एक एंड से जितना डिस्चार्ज करूंगा थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, दूसरे एंड पे भी उतना ही डिस्चार्ज मिलेगा, अनटिल अनलेस कि मैं उसमें कुछ ऐड या कुछ रिमूव ना कर दूं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है हमारी? वो कहती है A1 V1 = A2 V2। A1 V1 = A2 V2, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लो की। कंप्रेसिबल वो जो कंप्रेस हो जाए, इनकम्प्रेसिबल वो जो कंप्रेस ना हो। तो हम यहाँ पे जनरली इनकम्प्रेसिबल फ्लो लेके चलते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारी डेंसिटी होती है हम यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लो लेके चलते हैं। तो ρ1 = ρ2 जाता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो A1 V1 = A2 V2, A1 V1 = A2 V2। अगर इसे Q1 Q2 बोलोगे तो Q1 = Q2 = Q।
मतलब डिस्चार्ज हमारा सेम रहेगा थ्रू अ चैनल, मतलब अगर मैं पाइप के एक एंड से 1 लीटर पानी भेज रहा हूँ तो मुझे दूसरे एंड पे 1 लीटर ही पानी मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो 1.5 हो जाएगा। केस तब होगा अगर मैं बीच में से कहीं से उसमें इंसर्ट कर दूँ, या फिर वो 1 लीटर का 0.5 हो जाएगा अगर मैं उसमें से रिमूव कर लूँ। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि एक एंड से मैं जितना डिस्चार्ज करूँगा दूसरे एंड पे भी मुझे उतना ही डिस्चार्ज मिलेगा। एक एंड से मैं जितना डिस्चार्ज करूँगा दूसरे एंड से भी मुझे उतना ही डिस्चार्ज मिलेगा, ये मेरी कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलती है। क्लियर है कंटिन्यूटी इक्वेशन? और अगर आप इसे डिस्चार्ज ना बोलना चाहो तो आप इसे मास भी बोल सकते हो, कि मैं एक एंड से जितना मास भेजूंगा दूसरे एंड पे भी उतना ही मास मिलेगा। देखो, मास बोलो चाहे डिस्चार्ज बोलो, दोनों चीज़ सेम है, या दोनों चीज़ सही है, गलत नहीं है। मास मतलब कितना अमाउंट भेज रहा हूँ, यहाँ से लीटर में बात कर रहा हूँ, और डिस्चार्ज हो जाएगा पर यूनिट टाइम, डिस्चार्ज हो जाएगा पर यूनिट टाइम। तो डिस्चार्ज जितना यहाँ से गया उतना ही वहाँ गया, एरिया से फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके आएंगे न्यूमेरिकल्स, कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर और डिस्चार्ज के ऊपर हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिर हमारी नेक्स्ट आती है बर्नौलीज थ्योरम, नेक्स्ट आती है बर्नौलीज थ्योरम, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आती है उसकी एप्लीकेशन, जो है हमारा वेंचुरी मीटर एंड ऑरिफाइस मीटर। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे, जो नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं वो बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ ही साथ दूसरों को भी ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इससे कुछ गेन करने को मिले। तो तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।